हेलो फ्रेंड्स, अलकाज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी पच भी जाती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कद्दूकस की हुई लौकी, 1 कटोरी शक्कर, थोड़े से बादाम। अब गैस पर पैन रखेंगे और उसे गर्म करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल के लौकी को हल्का गुलाबी होने तक 2-4 मिनट भुनेंगे। लौकी जब भुन जाए तो उसमें 1/2 लीटर दूध डाल के चलाते रहें। जब आपकी लौकी पक जाए तो उसमें शक्कर डाल के चलाएं। शक्कर अपनी इच्छा अनुसार आप कम या अधिक डाल सकते हैं। अब आप इसमें अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स करें और सर्विंग बाउल में निकाल लें। लीजिए, आपकी लौकी की खीर बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट देने न भूलें। थैंक यू।